हम लोगों को मिला है लोकल ट्रेडिशनल बिस्कुट बोरा। ये तीनों का हिस्सा है, मम्मी का, जेरी का, मेरा। बाप रे, 3 किलो लेके जाना है। 3 किलो। नजारा देखो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, पूरा चारों तरफ सफेद सफेद फूल, सफेद कलर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये देखो। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी को एक और नए ब्लॉग पे। सुबह उठते ही जो है हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी लगभग 9 बज चुका है, तो हम लोग जो है जाएंगे 1 नंबर विलेज पे। एक्चुअली हम लोग उसी के अंदर पे है, फिर मेन वाला 1 नंबर विलेज पे जाएंगे। तो वहाँ पे जो है एक तो वो अंकल या बाई होगा, हाँ भैया, एक तो भैया का घर पे जो है पूजा हो रही है, तो हमें इनवाइट किया है कि वहाँ पे अटेंड होने के लिए। तो अभी जो है हम तीनों रेडी हो चुके हैं, मम्मी, दीदी और मैं। लम्बो नहीं जाएगा, लम्बो वो घर पे रहेगा, बस हम तीनों ही जाएंगे। तो वहाँ पे जो है दोपहर तक रहेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग का घर पे आ जाएंगे। तो वहाँ पे क्या पूजा पाठ वगैरह हो रही है और क्या क्या प्रोग्राम हो रही है वो सब वहाँ जाके ही दिखाऊंगी। तो अभी फिलहाल जाते हैं हम लोग भैया का घर पे। हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ पूजा जो होगी इस साइड में पहुँच चुके हैं, और वहाँ पे जो है डोनेशन वगैरह हो रही है पैसा का, तो वहाँ पे हमने डोनेट भी कर दिया है। तो अभी इस साइड में जाते हैं, इस साइड पे बैठेंगे। पूजा जो है कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, अभी ब्रेक मिल चुका है। हम लोग जो है दीदी और मैं सुसु ब्रेक के लिए आए थे उस साइड पे। क्या हो गया, अभी फिर से जो है जितने भी लोग आए हैं बाहर से, दूर दूर से आए हैं, तो वो लोगों के लिए जो है लंच वगैरह निकालाया जाएगा। तो अभी हम लोग भी जो है मेहमान हैं, इसलिए हम लोग भी आराम से बैठ के रहेंगे। पूरा चारों तरफ देखो बहुत सारे लोग आ चुके हैं। ये वाला घर मेन वाला है, इससे घूर के हम लोग गए थे। बापरे, पूरा नीला नीला दिख रहा है, यहाँ तारपोलिन का नीचे पे है, तो इसलिए। ये देखो, हम लोगों को मिला है लोकल ट्रेडिशनल बिस्कुट बोरा। ये तीनों का हिस्सा है, मम्मी का, जेरी का, मेरा। हाँ, वो वाला बिस्कुट मैं नहीं खाती, बस ये वाला खाती हूँ बोरा फिदे। और मम्मी दही भी खा रही है, बोरा फिदे भी खा रही है। ये देखो सभी खा रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। एक एक करके खाऊंगी यहाँ से। बहुत टेस्टी हुआ है, सोदो ये मीन्स टेस्टी हुआ है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है यहाँ का कल्चर कुछ इस तरह का है। अभी जो है लंच का टाइम हो चुका है, सभी को लाइन करके बिठा दिया है, पूरा झमेला ही झमेला। अभी यहाँ पे दिया है हम लोगों को चावल, मिक्स सब्जी, मछली एंड पॉर्क, पूरा झमेला ही है। मम्मी लोग उस साइड में है और हम लोग इस साइड पे। दीदी और मैं टेस्ट किया है, हाँ। कैसा हुआ है? तो पहले मैं पोर्क खा रही हूँ, पोर्क। पूरा झमेला है, ये देखो उधर दूर में भी। तो अभी खाते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं तो बहुत ही झमेला होने वाला है। हमने खाना वगैरह भी खा लिया है, आज एकदम पेट भर के खाया है, क्योंकि बहुत ही सारे आइटम्स था, सब्जी वगैरह बहुत ज्यादा था, तो आज पूरा पेट भर के खा लिया। अभी फिर से हम लोग जा रहे हैं दीदी का दुकान पे, तो वहाँ से जो है ड्राई फिश वगैरह लेके जाना है, तो अभी जाते हैं। पहुंच चुके हैं हम लोग दीदी का दुकान पे, तो यहाँ से जो है मम्मी पूरा बासी बासी लो ले रही है। ये देखो, देख देख के लेना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड वाला भी है और नरम वाला भी है, तो हम लोग ज्यादातर सब्जी वगैरह पकाते हैं, नरम वाला चाहिए होता है, तो यहाँ पे बड़ा बड़ा वाला लिख जाएंगे। मुझे तो इसका स्मेल पाने से उतना सह नहीं सकती हूँ, तो मैं इस साइड में बैठ के रहूंगी, बस मम्मी यहाँ पे देख देगी। और यहाँ पर जो है हम लोग का बांजी देखो, पम्पकिन को बनाई है, ये क्या बोलता है वो स्टडी कर देना, ये किसका है, दीता का है क्या? हाँ दीता, जैन भी में, हाँ जैन भी में देना पड़ेगा। ये देखो एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, और यहाँ पे देखो ना पूरा लाइन करके संतरा का जो छिलके वगैरह है सुखा रही है, क्या क्या है ये लोग का भी। और यहाँ पे भी वाओ मूली, ये देखो पूरा अच्छा हुआ है, ये लोग का इतना अच्छा दिख रहा है कलर जो। और यहाँ पे सूखा हुआ बेर, बेर भी बहुत ही अच्छे हो चुके हैं, पर ज़्यादा ही सूख गया बेर जो। और ये कल हम लोग का खेत से लेके आया था। ये देखो यहाँ पे मम्मी ने पूरा
अच्छे अच्छे वाले पूरा देख के पूरा यहाँ पे रख दिया है। ये देखो 2 किलो लेके जाएंगे, पर 2 किलो अभी ओ ज्यादा हो गया, 3 किलो बाप रे 3 किलो लेके जाना है, 3 किलो पूरा बड़ा बड़ा बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अभी जो पहले वाला ऊपर ऊपर में था वो थोड़ा खराब था ना, छोटा है ज्यादा। इतने बड़े बड़े और हम खा रहे हैं संतरा। साढ़े 500 एक किलो का। ये देखो इतने ज्यादा। तो हमने ड्राई फिश वगैरह भी ले लिया है, टोटल आया है 1650। तो अभी यहाँ पे फिर से बांदी ने दिया है हम लोग को फ्लावर्स का पौधा, ये देखो अभी इसे भी लेके जाएंगे, जाते हैं अभी घर, हम दोनों जाएंगे बस। घर पे पहुंच चुके हैं दीदी और मैं, तो मैं बाद में जो है ड्राई फ्रूट वगैरह को सफा करूंगी। तो अभी देख सकते हो पूरा सूरज जो है पूरा उधर चला गया है, शाम होने को चला है। और यहाँ पे जो है मैंने उस दिन जो बनाई थी ये वाला आमला, देखो नमक लगा के मैं यहाँ पे डुबनी सुखा रही हूँ, इतना कम हो चुका है ना इस साइड में। और ये वाला जो है हम लोग मड्डू के साथ मिक्स करके रखेंगे यहाँ पे, ये अभी तक अच्छे से नहीं सूखा है, तो अभी भी धूप है थोड़ा सा। यहाँ से एक तो लेके जाती हूँ, यहाँ से एक तो खाने का मन हो रही थी मुझे। अभी शाम भी होने को चला है तो दीदी ने तो नहा लिया है, तो अभी मैं सबसे पहले ड्राई फ्रूट वगैरह को सफ़ा कर लेती हूँ। और क्या लग गया, और ड्राई फ्रूट वगैरह को सफ़ा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं नहाऊँगी। तो मेरे कपड़े वगैरह भी लेके जाती हूँ, सुबह मैंने कपड़े को यहाँ पे सूखने के लिए दे दिया था, अभी तो वो अच्छे से सूख गए हैं, तो मैं लेके जाती हूँ अंदर। यहाँ पर जो है मैंने ड्राई फिश को रख दिया है, अभी इसकी साफ सफाई कर लेती हूँ। और गाबूचे पूरा वहाँ पे भोग रहा है, क्योंकि हम लोग का रास्ते से जो है वो जो भी मेहमान वगैरह वहाँ पे चलते है ना, उन लोगों को पूरा अनजान है, पूरा भोग देता है ऐसा नहीं करने का। देखो तो अभी मैं इसकी साफ सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में नहाऊंगी। ए मत भोको, मत भोको रे, बस मुझे देखते रहो, यहाँ पे मैं काम कर लेती हूँ। खा दिया एक तू, गाबूचे ने पूरा एक तू लेके गया है, ये ना बहुत बदमाश हो रहा है आजकल। तो अभी मैं यहाँ पे अपना काम निपटा लेती हूँ, यहाँ ट्राइपॉड को यहाँ पे रख देती हूँ। ऐसे सफाई करके रखने से अच्छा होता है, ये उतना वो कीड़े नहीं होता है इसमें, तो हम लोग जो है ज्यादातर खरीद के इसको ऐसे रख देते हैं। गाबूचे पूरा बदमाश हो रहा है, एक तो लेके गया है वो, गाबूचे खा रहे उधर जाके खा रहे ना, बदमाश हो गया। तो हमने जो है सफा भी कर दिया है दोस्तों, अभी इसको जो है हम लोग स्टॉक पे रख देंगे। तो यहाँ से एक एक करके हम लोग डेली यूज करते हैं, खाते हैं सब्जी वगैरह में, तो अभी इसको भी रख देते हैं। ये वाला थोड़ा अलग है, ये देखो गाबूचे ने यहाँ से एक तो खा दिया था, इसको भी यहाँ रख देते हैं। अभी इसकी साफ सफाई करनी पड़ेगी, ये देखो ना इतना ज्यादा वेस्ट होता है ना, ये सर ये पूंछ वगैरह देखो, ये तो खा नहीं सकता, ये देखो इतना ज्यादा, ये देखो पंग वगैरह पूरा बर्बाद। इसमें लगभग कितना कितना ग्राम, 2 ग्राम, आधा किलो लगभग होगा, आधा किलो ऐसा हो जाएगा शायद। तो हो गया, अभी हम लोग जाएंगे खेत पर डिनर के लिए, सब्जी वगैरह कलेक्ट करने की हो चुका है कंप्लीट। इसको दीदी घर का ऊपर में रख देगी और इसकी साफ सफाई कर देती हूँ मैं, हो गया। अभी इसको जो है फेंक देती हूँ, ये देखो इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है ना, पूरा 550 पर किलो, ये देखो इतना ज़्यादा, ये लगभग आधा किलो ऐसा हो जाएगा। तो इसको यहाँ यहाँ पे फेंक दूँगी, हो गया। ऐ ये देखो आ गया आ गया, बहुत गंदा हो गया रे, ये देखो ये भी आ रहा है। ड्राई फिश को तो साफ सफाई कर दिया है, उसे स्टॉक पर वहाँ रख भी दिया है स्टोर रूम पे। तो अभी जो है
बोमी बोमी फील हो रही है, पता नहीं क्यों ये ड्राई फिश का स्मेल पाके शायद ऐसा हो गया होगा। तो अभी यहाँ पे देखो इतना ज्यादा बेर है, ये देखो कल लम्बू जो है लेके आया था जंगल में, उनका ब्लॉग में आप लोगों ने सुबह में देखा होगा। ये देखो ये वाला थोड़ा अलग है और ये वाला थोड़ा अलग है, पर मुझे ये वाला बेस्ट लगता है, ये देखो ये कच्चे कच्चे वाले। तो अभी यहाँ से खाएंगे। दीदी को भी थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि ज्यादा ऑयली फूड खा दिया ना हम लोगों ने, इसलिए। तो अभी यहाँ से नमक लगा लगा के खाएंगे, थोड़ा सा खा लेते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद जो है हम दोनों बहनें जाएंगे खेत पर, खेत से जो है कुछ अलग सब्जी धुन के लेके आएंगे। इधर से टेस्टिंग कर लेती हूँ कौन सा टेस्ट होगा, कौन सा अच्छा होगा। हाँ ये वाला बढ़िया है, ये देखो इसका डंडा फेंक देती हूँ, इसको जो है थोड़ा सा ओह माय गॉड ना खाता है। ये वाला नहीं हो पाएगा, प्लोटीन से खाना पड़ेगा। बाप रे इतना खाता है, मैं खुद खत्ता खाती हूँ फिर भी मुझे इतना ज्यादा खत्ता लगा है। जंगल वाला डेंजर है ये, जंगल वाला ये हम लोग का गांव वाला ये खा लेती हूँ, ये मुझे बेस्ट लगता है। एकदम मस्त, ये वाला उतना खट्टा भी नहीं है उतना मीठा भी नहीं है, एकदम मीडियम। और इसका ना अच्छे से नहीं पका है, उस वाले पेड़ पर जो है हम दोनों बहने कुछ दिनों के बाद जाएंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग बेर का अचार बनाएंगे, है ना, अचार बनाएंगे। और थोड़ा सा खा ले तू, यहाँ से नहीं खाऊंगी, ये पूरा ज्यादा खट्टा है, बस यहाँ से खाऊंगी। और इसको गुटी वगैरह को जो है मैंने वो अंदर पे नहीं डालते हूँ क्योंकि टॉयलेट पे थोड़ा दिक्कत है तो बेर वगैरह भी खा लिया है, अभी हम दोनों बहने जाएंगे खेत पर। और यहाँ पे लम्बू ने जो है इतने अच्छे अच्छे केले रख दिया है ना, ये देखो, पता नहीं ठंडा का टाइम में केले इतना जल्दी क्यों नहीं पकता है, उसका क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। ये देखो इतने बड़े बड़े, और लम्बू ने जो है उसको खाने का मन हो रहा था तो यहाँ गद्दा खोदकर जो है गद्दे में आग जला के और ऊपर में भी आग जला के गद्दे वो केले को जो है गड्ढे का वहाँ पे डाल दिया है, फिर उसके बाद मिट्टी दे दिया और हमेशा आग जलाना पड़ता है। तो आज का दिन लेके जो है 3 दिन हो चुका है तो शायद पके होंगे, तो लम्बू आने के साथ साथ जो है हम लोग देखेंगे पके हुए हैं कि नहीं। तो अभी जाते हैं सीधा खेत पर। बच्चे मत जाओ, ये एक बार जाने से बहुत ही आदत पड़ जाता है, पूरा उधर तक जाता है रास्ते पे क्या। हाँ घर में रहो। और ये वाला फ्लावर्स कब लगाना है उसका भी ऐसे रहने देना है। ओ, पानी दे दे के, वैसे भी उसमें वो प्लोटिंग वगैरह है। तो अभी हम दोनों जाते हैं सीधा खेत की ओर, आज कुछ भी नहीं है, सब्जी वगैरह पता नहीं क्या खाएंगे, और ऊपर से ब्लॉग भी बनाने के लिए बहुत आलसी लग रही है मुझे। देख सकते हो दोस्तों सूरज भी डूबने को चला है, पूरा सनसेट हो रही है। अभी हम लोग यहाँ खेत पर आए हैं, खेत से जो है ये हम लोग मूली का सीड लेके जाएंगे। तो दीदी यहाँ पे काट रही है, वाह नजारा इतना खूबसूरत लग रहा है। पिछले साल हम लोगों ने यहाँ पे फोटोशूट वगैरह किया था इसी जगह पे, तो अभी वही दिन याद आ गया। तो अभी क्या करेंगे, ऐसे फोटो वगैरह खींचने का ही मन नहीं है। और नीचे नीचे पर इतना मूली है, ये देखो पूरा बड़े बड़े मूली है, और नज़ारा देखो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, पूरा चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद फूल, सफ़ेद कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये देखो इतना सुंदर है मूली का फूल। तो दीदी जो है डिनर में खाने के लिए वो मूली का सीड को कटिंग कर रही है, तो मैं मेजांग को लेके इधर उधर उसका पीछे पीछे घूम रही हूँ। चलो हाँ मिला, बहुत ही अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा है, ये देखो बहुत ही टेस्टी होती है, इसको बॉयल भी खा सकता है, तेल के साथ भी खा सकता है, जैसे भी हो इसको खा सकता है, कच्चा कच्चा भी खा सकता है। तो अभी इसका कटिंग करेगी दीदी, बस मैं तो चाकू नहीं लाई, बस दीदी को दे दिया है। वो बिंदी भी मिलेगा ना, बिंदी छोटा छोटा मिलने से मैं लेके जाऊंगी, उधर में दिख रहा है बिंदी, ये दे दो, बिंदी मिलने से लेके जाऊंगी। चलो अभी मैं भी बिंदी तोड़ लेती हूँ, और गाबुच्चे भी आ चुका है, ये देखो बिंदी वाह बिंदी वाह। ए जरा बुड्ढा हो गया क्या, ये बुड्ढा हो गया, छोटा छोटा मैच्योर वाले। हाँ ये वाला ठीक है, बिंदी थोड़ा हम लोगों के लिए मिलने से भी ठीक होगा, ये भी बुड्ढा हो चुका है,
एक अब हट जाओ। हम लोग बिंदी ढूंढ लेते हैं। हाँ ये भी खा सकेगा। हाँ ये देखो ये वाला भुट्टा हो गया रे। हाँ दोनों ठीक है। हाँ ले लेंगे अभी सब ले लेंगे। हाँ इसमें भी मैच्योर है मिला। हाँ चलो ले लो ये देखो। अभी इसको जो है मेजांग में रख देती हूँ डिनर में। यहाँ से डोटू सब्जी हो गया, फिर से हम लोग उधर से लेके जाएंगे। अभी बस इधर से कलेक्ट कलेक्ट है बिंदी, लेडी फिंगर, लड़की का उंगली। तो खेत से जो है हमने सब्जी वगैरह कलेक्ट कर लिया है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो बिंदी, और यहाँ पे जो है मिदे बेगोल सीट, ये क्या क्या बोलता है इसको, तुर्के बेरी ना क्या कहते हैं पता नहीं। और देखो यहाँ पे दीदी ने बुड्ढा वाला मूली भी ले लिया है, उसको जो है मीठा करके बनाने से बहुत ही टेस्टी होते हैं। अभी फिर से यहाँ से जो है मीठे बेगोल सीट हम लोग तोड़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। और मेरे हाथों में इतना ज़्यादा खुजली हो रही है ना भाई, ये देखो पूरा केसा लाल लाल हो चुका है। इसको तोड़ते टाइम पर इतना दिक्कत है, ये तो पूरा पीछे पीछे बहुत मिल रहा है ना। ये देखो इतने अच्छे अच्छे सब्जी को जो है यहाँ पे रख दिया है दोस्तों। ये देखिए आज डिनर में क्या क्या ग्रीन वेजिटेबल है, इतना टेस्टी लगता है ना ये वाला सीट जो। तो हम लोग जो है डिनर में ये वाला सब्जी फूल खाएंगे। तो अभी बस मैं वीडियो को जो है एडिट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। पूरा शाम होने को चला है, अभी एडिट करके मुझे जो है कितना मिनट हो चुका है उसे अपलोडिंग पे रखनी पड़ेगी, नहीं तो आप लोग कैसे इंटरटेन हो पाओगे ना मेरा ब्लॉग से। क्या बोला था आग चलाना है? ओके यहाँ पर जो है दोस्तों मैंने आग भी जला दिया है। नीचे पर जो है गद्दे पे वो केला है, तो कच्चा वाला केला, तो उसको जो है थोड़ा सा उसको हीट होने के लिए यहाँ हमेशा आग जलानी पड़ती है। तो अभी लम्बू जो है घर पे भी नहीं है, तो वो आने से जो है हम लोग गड्ढे को खोदेंगे, फिर उसका जो है केले पके हुए है कि नहीं पकना तो पूरा श्योर बनता है, क्योंकि 3 दिन हो चुका है ना इसलिए। तो अभी बस मैं वीडियो को जो है यहीं तक एंड कर लेती हूँ, मुझे जो है नहाना पड़ेगा, पूरा शाम हो रही है। अभी पता नहीं कैसे नहाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है ना पानी जो, और यहाँ पे इतनी जल्दी रात होती है, तो थोड़ा देर बाद हम लोग को फिर से डिनर बनानी पड़ेगी। आज हम लोग जो है पूजा में गए, बहुत ही अच्छा लगा। तो हम लोग का यही है कल्चर, जो भी पूजा वगैरह में हम लोग को इनवाइट कर देता है हम लोग भी करते हैं दूसरों को, तो ऐसे आना जाना करते रहते हैं हम लोग, तो वहाँ पे शामिल होने के लिए जाना पड़ता है। एक हम लोग का गांव में नियम है, तो उसी के लिए हम लोग एक परिवार में इनवाइट कर देते हैं जाना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये ब्लॉग को अच्छा लगा होगा। दोस्तों आज चला गया तो जरूर से कमेंट कर देना, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो बाय बाय, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ।